जय श्री राधे, वेलकम टू रंग गुरु कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में जब भी विष्णु सिंबल यानी कि विष्णु तिलक की स्थिति उभर के आती है, ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को देने वाली होती है। ये आपकी दोनों हथेली में या किसी एक हथेली में हो सकती है। अलग अलग हथेलियों में होने के इसके अलग अलग प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे इसके फल क्या है? ये आपके जीवन में समृद्धि लाता है, आपके जीवन में स्थिरता लाता है, आपके जीवन में शांति लाता है और जीवन में प्रगति सतत आपके लिए बनी रहती है। इनकी स्थिति जो है वो आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को भरने का काम करती है, आस्था को मजबूत करती है, भरोसे को मजबूत करती है और दुनिया को एक बेहतर नज़रिए से देखने की क्षमता ये आपके अंदर विकसित करती है। देखो, अलग अलग हथेलियों में अलग अलग प्रकार की रेखाएं लोगों की हथेलियों में देखने को मिल जाते हैं और जिस हथेली में जैसी रेखा रहती है उसके अनुसार उसके जीवन में उसके फल प्राप्त होते हैं और परिस्थितियां वैसी बनती चली जाती हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में विष्णु सिंबल की स्थिति बने ना, तो ऐसे व्यक्ति को जहाँ तक हो सके सदाचार का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार के गलत कामों से खुद को अलग रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से किसी गलत कृत्य में न शामिल हो, न उसे प्रोत्साहित करे, न उसे आगे बढ़ाने का काम करे और न ही उसे अपने जीवन में उतारे। ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति जिनकी हथेली में विष्णु सिंबल है, उनके जीवन में बहुत अवनति होगी, उनके जीवन में बहुत दुख आएंगे, उनके जीवन में बहुत तकलीफें आएंगी, क्योंकि आप किसी अन्य हथेली के मुकाबले आपको बिल्कुल जुदा हथेली मिली है, आपको बिल्कुल जुदा रेखाएँ मिली है। जिसको जैसी रेखाएँ मिलती है उसके अनुसार उसका जीवन आगे की तरफ बढ़ता है और जब ऐसी चीज़ें हो तो ऐसे लोग हमेशा सदाचार का पालन करें, जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई, समाज की भलाई हेतु ही कृत्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार से झूठ न बोले, किसी प्रकार से किसी का बुरा न करे, किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक कार्य न करे, कभी भी खासकर स्त्री विशेष के प्रति मन में भी किसी प्रकार की गलत भावना न लाए। ऐसा नहीं होता है कि फिजिकली किसी को असॉल्ट करने या वगैरह करने इसे ही आप गलत मान सकते हैं। अगर आपने मन से भी किसी के बारे में गलत सोचा है तो उसका जो जज है ना, उसका जो न्यायालय है और उसके जो न्यायाधीश हैं यानी परमात्मा, उसकी नज़र में तो आप गुनाहगार हैं। और अगर आपकी आत्मा में वो जागृत है तो अपनी नज़र में भी आप गुनाहगार होते चले जाते हैं। तो अपनी पत्नी के सिवा बाकी जो भी स्त्री इस संसार में है वहाँ पर उसे आपको एक बहन या माता के रूप में ही आप अगर उसे देखते हैं तो ऐसी स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ है और आपको जीवन में सही तरीके से विकास करने में आपकी मदद करती है। तो अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के बाई हथेली में, अगर वो राइट हैंडेड पर्सन है यानी कि दाहिनी हथेली से लिखता है, खाता है और बाई हथेली में ऐसी स्थिति है और दाहिनी में नहीं, इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रारब्ध डेस्टिनी जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म फल के अनुसार प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे जातक का जो पूर्व समय था, पूर्व जीवन था, वो निश्चित तौर पे अत्यधिक सुंदर था, अत्यधिक महान था, बेहतर था, जिसके कारण जातक एक बेहतर कुंडली या हस्त रेखा लेके इस धरती पर इस योनि को प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान हथेली में अगर नहीं है, यानी कि इस समय जातक की अगर कुंडली में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से चंद्र शुक्र मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति वहाँ पर थोड़ी सी बुरी देखी जा सकती है। इसके अलावा हस्तरेखा की बाकी जो पर्व क्षेत्र है और रेखाओं के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर दाहिनी हथेली में नहीं है तो जातक का वर्तमान जीवन जो है वो कहीं ना कहीं चंचल अधिक है, कहीं ना कहीं मन उसका अस्थिर है यानी कि स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी नज़र लगातार घूम रही होती है, कहीं ना कहीं विकार उसके अंदर पनप रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज सही चीज़ों के साथ गलत चीज़ों के साथ यहाँ पर कर रहा होता है, वो गलतियों के बहकावे में आ जाने वाला होता है, वो भटकाव की तरफ बढ़ने वाला होता है और उसे संभल के रहने के लिए बहुत ही कठोर इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है, उसे एक बेहतर मेंटर की आवश्यकता है जो कि उसे सही मार्ग पर रखे, तब जाके जो इसके सुंदर फल है वो जातक के जीवन में आएंगे। लेकिन संघर्ष, एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष हमेशा व्यक्ति के जीवन में चल रहा होगा। वहीं दाहिनी हथेली में है और बाईं हथेली में नहीं है, इसका मतलब क्या? अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो ऐसी स्थिति दर्शाती है कि जातक ने अपने आप को अपने भरोसे, अपने बल के आधार पर अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखा है, अपने मन को नियंत्रण में रखा है और जो उसने सीखा है इस दुनिया में उस आधार पर उसने अपने जीवन को बेहतर बनाया है, सुंदर बनाया है और आगे भी वो तमाम प्रकार की समृद्धि को जीवन में प्राप्त करेगा। अगर दोनों हथेली में है यानी कि आया भी अच्छा है, कर भी अच्छा रहेगा करेगा और जाएगा भी अच्छा,
यानी कि एक कुछ खास लोगों में हो सकता है कि बिल्कुल निपुण है, हर तरीके से अच्छे ही आए, अच्छे ही हैं और अच्छे ही निकलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं उल्टे हाथ में हो सिर्फ, ठीक है, और जैसे कि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो और वैसे स्थिति में आपके लेफ्ट पाम में है, तो समझ लो कि करंट में आपने अपने भरोसे चीज़ों को अच्छा किया है और दूसरे हथेली में हो, यानी कि प्रारब्ध चीज़ों को अच्छा करके आई थी। अब क्या है कि इसकी अलग अलग स्थिति हो सकती है। जैसे कि रेखा यहाँ से निकली, तो आपने देखना है यहाँ की स्थिति कैसी है, नीचे की तरफ रेखाओं की स्थिति कितनी ज्यादा गई है या ऊपर की तरफ रेखाओं की स्थिति आई है। जब भी नीचे की तरफ स्थिति आएगी तो ये आपके लिए यहाँ पर शुभ संकेतों को ही दर्शाने का काम करेगी। ऊपर की तरफ स्थिति आएगी तो ये आपको प्रोएक्टिव कर देगी, जो कि आपके लिए कई दफ़े बड़े नुकसान का कारण हो जाता है। आपको जज्बातों में कई बार बहा के ले जाता है, कई बार आपके रिश्तों में खलल डालने का काम करता है, रुकावट अलगाव की स्थिति को पैदा करने का काम करता है, हृदय रोगों को बढ़ाने का काम करता है, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह को बढ़ाने का काम करता है। अब मान लो ये रेखा बीच से कहीं से टूटी हो, तो ये रेखाओं को कमजोर करेगी, ये रिश्तों को भी आपके खराब करेगी और आपको भ्रम का शिकार बना के छोड़ेगी। कन्फ्यूजन आपके साथ हमेशा चल रहा होगा, रिश्तों को सही तरीके से आप कभी समझ नहीं पाएंगे। कई बार रिश्ते आपको यूज करेंगे और कई बार आप उन्हें यूज करने की कोशिश करेंगे, और इस ऊहापोह में पता चलेगा कि आप कभी अकेले रह गए। तो यहाँ पर जो भी इनेमी सिंबल आएंगे ना, तो उसके कारण क्या होगा कि रेखा कमजोर होगी, तो उसका प्रभाव भी विष्णु सिंबल पर यहाँ पर पड़ेगा। आपको लुभावने और अपने कैरेक्टर से फिसलने का, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ने को मन प्रोत्साहित करेगा वैसी स्थिति में। लेकिन अगर ये क्षेत्र मजबूत हो तो आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से रोक लगा पाएंगे, अगर मजबूत नहीं हुआ तो आप फिसल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। वहीं पर अगर यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज की स्थिति आ जाती है, तो इस रेखा को और भी ज़्यादा स्ट्रांग करेगा, स्क्वायर का साइन आ जाता है, आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग करेगा। समृद्धि यानी आर्थिक तौर पर भी समृद्धि देगा, कैरियर के क्षेत्र में भी सफलता की योगों को बढ़ाएगा। बुध के इस क्षेत्र में बुद्धि विवेक का भी विकास करेगा, शनि के इस क्षेत्र में है तो आयुष्य को भी बढ़ाएगा, और जातक के जीवन में जो है सो धन की गति के साथ साथ जातक का जो वैभव है उसे भी बढ़ाने का एक काम करेगा, और सदाचार भी आपके जीवन में यहाँ पर उतर के आएगा। अब यहीं पर बात हो जाती है कि ये विष्णु सिंबल अगर शनि के क्षेत्र में आके यहाँ पे बनता है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पूर्ण तौर पे सदाचार का पालन करे, कभी किसी गरीब को किसी प्रकार से दुख न देवे, जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न करे। ऐसे लोगों के जीवन में धन हमेशा बना रहेगा, अविचल गति से बना रहेगा, और इसके साथ ही उनका पराक्रम भी बना रहेगा, किसी प्रकार के अकाल योग इनके जीवन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वहीं अगर गुरु के इस क्षेत्र की तरफ रहेगा तो ऐसे योग में कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन संग्रह करने वाला हो जाता है, कई बार बड़ा उपदेशक हो जाता है, कई बार राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और बड़े समूह का नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेता है, कई बार बैंकिंग से संबंधित या वाणिज्य से संबंधित जो कार्य है उसमें बड़ी निपुणता को प्राप्त करता है। खासकर अगर हम देख ले तो ज्योतिष से संबंधित काम है उसमें भी काफ़ी बेहतर करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर को बनाने का काम करते हैं या अपना बिजनेस करना शुरू करते हैं, बच्चों को सही संस्कार परवरिश दे पाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं, और अपनी इज्जत की इन्हें बड़ी परवाह होती है, पूजा प्रतिष्ठा वगैरह धार्मिक कृत्यों में भी काफ़ी लगे रहने वाले होते हैं, और ये जितना ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में लगे रहेंगे इनका जीवन उतना ज़्यादा सुकून में यहाँ पर हमेशा बना रहेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो इसके बारे में जो अस्पष्ट है वो यही है। और एक हालांकि इसमें और स्थिति आती है उसके बारे में मैं बता दूँ, ऐसी स्थिति जब भी आए तो एक चीज़ आप मतलब देख लेना कि हमेशा रेखाएँ एकल रेखा से बनी हो, ठीक है, एक कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णु सिंबल के रूप में इसके फल मिलेंगे। अब क्या है कि पूर्ण विष्णु सिंबल की जो रेखा होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो बनती है भाग्य रेखा के सहारे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, कई हथेली में देखेंगे कि भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल के फिर जाके ये रेखा तैयार होती है, ये होता है पूर्ण विष्णु सिंबल। और पूर्ण विष्णु सिंबल का जो प्रभाव है वो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई देने का काम करता है। ऐसी स्थिति जब भी आती है ये पूरे जीवन को अपने अंडर अंडर में जो है ना समेट के रखता है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी व्यक्ति के जीवन में, मतलब शुरू से लेके माँ के दूध से लेके और मुँह में गंगा जल डालने तक की जो स्थिति आएगी, मतलब जब आप शरीर छोड़ने वाले होंगे उस समय तक इसका प्रभाव जो है ना आपके जीवन पर जो है सो ये बना रहता है, और आपके हर एक चीज़
में इनका प्रभाव स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं, किस तरह बचपन से ही इसका प्रभाव जो है जातक के जीवन में दिखने लगता है। कैसे संतोषी स्वभाव का, सदाचारी, अच्छा बोलने वाला, शांत, गंभीर, आगे बढ़ने के बाद ऐसा व्यक्ति अपने करियर के क्षेत्र में सही चुनाव कर पाता है, सही तरीके से आगे बढ़ पाता है। हालांकि बाकी रेखाओं की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो अनफॉर्चुनेटली जीवन में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर सब कुछ अच्छा हो तो ये लोग बहुत तरक्की करते हैं जीवन में और बड़ा नाम करते हैं, लाइक अ सेलिब्रिटी और या किसी के आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं और जीवन बड़ा सफल होता है, संतोषमय होता है। इसके बारे में भी कभी और ज़्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।